रमज़ान की तीसरी सहरी मुबारक हो। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो बस रात को मेरी आँख लग गई थी क्योंकि 2 रातों से सही से सोने में नहीं आ रहा था। रात को जब मैं सोई इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, थोड़ा काम करने के बाद, तो मेरी आँख लग गई। और सहरी के टाइम में इतनी देर से मेरी आँख खुली, आज की जल्दी जल्दी से कुछ मैंने बनाया भी नहीं। आज सहरी में बस रात के चावल बनाए थे, वो रखे हुए थे, और जो है ना फ़ौरन जल्दी से चाय बनाई मैंने, फ़ौरन अम्मी को उठाया, तो बस समझ लो हमने वो खा के रोज़ा रख लिया। फिर उसके बाद मैं अजाने हो गई थी तो नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, तो मुझे अब टाइम मिला है। अब थोड़ा सुबह भी हो गई है, थोड़ा सा सुबह की सूरज भी निकल गया है। तो बस मैंने कहा मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, अपने व्यूवर्स को भी बता दूँ कि मैं आज सहरी में मैंने जल्दी कोई काम नहीं करा, बस जल्दी जल्दी से जो रखा हुआ था वो खा लिया और चाय बना के पी ली मैंने, ऐसा रोज़ा रख लिया हमने। क्योंकि आँख लग गई थी पता ही नहीं चला, फिर रात में जो है ना कितनी जल्दी टाइम गुजर गया बिल्कुल पता नहीं चला। तो बस अब मैं कुरान पाक पढ़ के बैठी हूँ, अम्मी और मैंने दोनों ने कुरान पाक पढ़ा, माशाल्लाह से हम लोग पढ़ के बैठ गए। तो अम्मी भी थोड़ी सी देर अब लेट गई हैं, और मैंने कहा अगर मैं लेट गई तो फिर मसला हो जाएगा, फिर अभिया को स्कूल भेजना है, तो इसलिए मैं लेट ही नहीं हूँ, मैंने आराम नहीं करा। मैंने क्या बस आराम बहुत कर लिया, अब जागते रहो, अब अभिया को स्कूल भेजने के बाद में फिर बस मुझे अपने काम पर बैठना है, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे पास रमज़ानों में टाइम नहीं होता है अल्लाह के फजलो करम से। और बस अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना अपने काम के अंदर ही दूंगी, क्योंकि 2 दिन से काम करने में नहीं आ रहा, वो काम जो है ना काम का बर्डन ज़्यादा हो गया एकदम से। तो बस अब मैं अभिया को स्कूल भेजने के बाद में मैं अपने काम पे बैठ जाऊँगी, क्योंकि मेरी नींद भर गई है, रात को बहुत सो गई, मैं बहुत सोने में आ गया इसलिए। तो बस जो है ना चले फिर अभिया को उठा लेते हैं, क्योंकि उसको रेडी भी होना है, उसको तो नाश्ता करना है ना, उसके लिए तो बना कर देना है मुझे। तो चले अभिया को उठाते हैं, लिया था, उठाने के बाद मैंने उसको रेडी भी कर दिया, देख लीजिए वो बैठ के नाश्ता कर रही है अपना फेनिया खा रही है, कह रही है मम्मा फेनिया बना कर देना, और जबकि हमने तो खाई नहीं सहरी में क्योंकि हमारा तो टाइम ही निकल गया था। तो बस फिर मैंने उसको बना कर दे दी, और अम्मी सुबह ही सुबह कटिंग करने लग गई हैं, अपने कपड़े वगैरह कटिंग कर रही हैं वो। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे उनको कुछ नाप वगैरह देना है, तो फिर वो कटिंग करेंगी। सही है, तो फिर अभी पहले अभी फातिमा को भेज देते हैं स्कूल, उसके बाद में अम्मी जो कटिंग कर रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अम्मी जेंट्स कपड़ों की कटिंग कर रही हैं, भेज दिया है, वो स्कूल जा चुकी है, और अम्मी कटिंग कर रही थी। तो देख लीजिए अम्मी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ज़रा हमारी लाइट चली गई तो अम्मी पानी की मोटर बंद कर रही थी। तो बस अब मैं भी अपने काम पे बैठूंगी, कटिंग वगैरह करने के लिए बैठूंगी, क्योंकि आज जब भी नींद नहीं आ रही, नींद भर गई तो मसला भी हो गया कि सहरी में आँख ही नहीं खुली थी। तो बस अभी अपना काम करने के लिए बैठूंगी मैं, तो चलें कटिंग वगैरह कर लेते हैं कपड़ों की, क्योंकि रात को मैंने कटिंग नहीं करी थी, रात को बच्चे का एक सूट सी लिया था मैंने। तो बस अब मैं कटिंग करने के लिए बैठती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं क्या सी रही हूँ वो मैं आपको फिर बताती हूँ मैं। तो चलें मैं अपनी मशीन की जगह पर बिल्कुल आकर बैठ गई हूँ, फिर मैं काम वगैरह करती रही इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिला, अभी थोड़ी थकान हो गई थी तो फिर मैं सो गई। जोहर की नमाज़ पढ़ के तो सोई तो मुझे पता ही नहीं चला कि बस इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी मुझे, मैं फ़ौरन से सो गई बस। फिर मैं उठी, फिर थोड़ा सा काम करा मैंने घर का, तैयारी वगैरह का काम करा, फिर असर की नमाज़ पढ़ी मैंने, उसके बाद में अब सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। अभी अभी ट्यूशन से आ गई, बच्चे लेने के नहीं गए थे वो लेकर आ गए, और सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, देख लीजिए सब। अभी दस्तरखान पे कुछ नहीं लगा हुआ है, बस आड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि स्लिप पे जगह नहीं है, चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। तो बस ये लोग अंदर बैठे हुए हैं, मदनी चैनल माशाल्लाह से लगा हुआ है, हजरत साहब दुआ करवा रहे हैं, मुरीद करवा रहे हैं, तो बस ये लोग बैठे हुए हैं दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, आपको भी बता दूँ, क्योंकि अभी अजान होने में थोड़ी सी देर रह गई है, रोज़ा खुलने में, सायरन होने में थोड़ी सी देर रह गई, तो मैंने कहा मैंने सुबह से व्लॉग भी नहीं डाला बस, तो इसलिए मैंने फिर अपना व्लॉग बना लिया। मैंने कहा चलो, मैंने कहा आपको भी तो पता चले मैंने क्या करा है, क्या करती हूँ, क्या नहीं करा। कटिंग कर ली थी कपड़ों की मैंने, पर मैंने ज़्यादा सीए नहीं, क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैं सो गई। मैंने कहा बस बाद में करेंगे फिर और काम, तो बस इसलिए अब हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ खुलने वाला है, थोड़ी देर में खुल जाए, जबकि रोज़ा, हाँ रोज़ा है वो, बस रोज़े की लगी हुई होती है, जल्दी जल्दी से बच्चों को, ये अम्मी है देख लीजिए, वालेकुम अस्सलाम, ये मेरी अम्मी भी रेडी हुई है नमाज़ वगैरह पढ़ के, बस रोज़ा खुलने वाला है, और बच्चे अंदर बैठे हुए, उमैमा यहाँ पर है, उमता तो आती नहीं है सामने बिल्कुल भी। तो बस चले अंदर चलते हैं, मैं भी थोड़ी सी बैठ के दुआ कर लेती हूँ, मैं मदनी चैनल लगा हुआ है तो मैं भी थोड़ी सी दुआ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जब मैं दस्तरखान लगा देती हूँ। सही है, हाँ आओ तो आप तो आती ही हो सामने बिल्कुल भी, तो
ब्रेड्स लिए। ये देख लीजिए, ये हमारी मुंतहा है, ये बहुत छोटी छोटी सी है, बाकी इन्होंने बहुत बड़े बड़े निकाल लिए हैं। तो चले फिर, दुआ हो रही है तो मैं भी दुआ कर लेती हूँ बैठ के। हम लोगों ने लगा लिया है और रोज़ा हमारा खुलने वाला है, देख लीजिए सारे बैठे हुए हैं। ये बस ये अभी आपको देखिए किस तरीके से बैठी, वो मुंतहा भी बैठ गई है और दुआ भी माशाल्लाह से सबने कर ली है। तो ये अम्मी बैठी हुई है, अम्मी शरबत निकाल लेंगे बैठ कर। तो चलें रोज़ा वगैरह खोल लेते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं हम। खोलने के बाद में फ्री हो गए थे, उसके बाद में मैंने बर्तन धोए और थोड़े से कपड़े थे, कपड़े क्योंकि रोज़े में तो बिल्कुल भी कपड़े वगैरह नहीं धोते, हिम्मत ही नहीं होती है बिल्कुल। और आज का रोज़ा तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था, पर अल्लाह का शुक्र है सब खैर से हो गया, रोज़ा गुजर गया। तो बस रोज़ा उसके बाद में थोड़ा सा लेट गई थी मैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, बस अम्मी उठी हैं तो अम्मी अब उठ के रोटी वगैरह बना रही हैं और ये लोग सारे बैठे हुए अपना शो देख रहे हैं ये लोग बैठ कर। और ये अपने नानी के घर भी जाने की तैयारी कर रही हैं ये लोग, पर अभी जाएंगी नहीं उमेमा और मुंतहा, ये देखो एक दो दिन के अंदर जाएंगी, तो कोई कपड़े वगैरह सेट कर रही थी ये लोग। तो बस क्या हो गया, ये अब ये फातिमा है, ये बस ऐसी मचल के देती है बिना फजूल में, ये इसको इसके पसंद का शो नहीं लगाना, तो ये ऐसी ही हरकतें करती है ये। तो बस ये लोग बैठे हुए और अम्मी रोटी बना रही हैं, खाना आ जाए, खाना खा लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि 10 भी बज गए हैं, अब रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है, टाइमिंग भी हो गई है, ईशा पढ़ूंगी उसके बाद में फिर थोड़े से कपड़े सीने के लिए बैठूंगी, सिलाई करने के लिए हिम्मत तो नहीं है, पर कपड़े आके जमा हो जा रहे हैं, सिल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी देर काम करने के लिए बैठ जाऊँगी। ये उमेमा भी कुछ कर रही है, अपने कपड़े वगैरह सेट कर रही है, देख लीजिए। उमेमा मैं कपड़े सही कर रही हूँ, मैं कल अपनी नानी के घर जाऊँगी। अच्छा, कजन है, कितने दिन के लिए जाओगी? दो दिन के लिए। दो दिन के लिए जाओगी, चलो ठीक है, फ्रेंड भी है, कजन भी है, फ्रेंड भी है ना। और बस ये अम्मी भी आकर बैठ गई हैं, अम्मी ने रोटी बना ली, रोटी वगैरह अम्मी ने भी बना ली, खाना लग रहा है, खाना रोटी अम्मी ने बना ली है और बस खाना वगैरह हमारा लग रहा है, हम लोग खाना खा लेते हैं और बस फिर नमाज वगैरह अदा करेंगे, ईशा की नमाज पढ़नी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और तो देख लीजिए हमारा खाना लगना स्टार्ट हो गया है, ये देख लीजिए। तो आ जाए जिसको भी खाना है आ सकते हैं आप लोग।